नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए 10 बड़ी और भयंकर खुशखबरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, बिल्कुल ही अकेले में इन्हें देखिएगा। जी दोस्तों, ये जो बड़ी खुशखबरी है सुनकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी दोस्तों आज के इन बातों को आप मजाक मत समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के जुनकाल में अब वो इतिहास बनने वाला है जो कि दोस्तों आपके जुनकाल के सारे दुश्मनों के होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप इन बातों पर यकीन करेंगे और दोस्तों अगर आप इन बातों को समझेंगे तो दोस्तों आप शिव के जुनकाल में ईश्वर की वह देवी शक्ति प्राप्त होगी, जिनसे दोस्तों आप शिव के जुनकाल में वो मोह माया की दुनिया से आप दूर हो जाएंगे, जिनमें आपको बहुत ही संकट और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जी दोस्तों, बहुत ही गंभीर वीडियो है, बहुत ही गहरे विचार आज के वीडियो में हम आप शिव को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और गहरे तरीके से आप समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी आप सभी के जुनकाल में बिल्कुल ही भगवान का दिया वरदान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्हें समझ लेंगे, इन्हें जान लेंगे, कैसे आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, दोस्तों कौन कौन से क्षेत्रों में ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है, दोस्तों इन बातों को अगर आप समझ लेंगे और कौन से क्षेत्रों में आपको कौन सी विशेष सावधानी रखनी है, दोस्तों अगर आप इन्हें जान लेंगे तो दोस्तों आप सभी के जुनकाल में भगवान की माया प्रारंभ हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और जो भी चमत्कार आप शिवी के जुनकाल में होंगे दोस्तों सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, देखकर आपके आंखों में खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप शिवी की जानकारी के लिए बता दें कि 72 साल के बाद आप शिवी की कुंडली में 3 ग्रहों का मिलनसार हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों महालक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा, महाबली हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा और न्याय की देवता भगवान शनिदेव का भी अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर 3 ग्रहों का मिलनसार आप सभी की कुंडली में दिव्य शक्ति का निर्माण कर रहा है, जिनके कारण दोस्तों आने वाले 3 दिनों में आपको 10 बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और इन बातों को आप बिल्कुल ही चुपचाप अकेले में देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप किसी के कानों कान खबर होने मत दीजिएगा, कि दोस्तों ये आपके जीवन की सफलता की वह चाबी है जो कि दोस्तों आप सभी के भाग्य के दरवाजे को खोल सकता है। और दोस्तों यह बात अगर आप किसी को बता देंगे तो दोस्तों वो आपके ही के लाभ पर ही लात मार सकता है। तो दोस्तों ऐसे में सतर्क और सावधान हो जाएं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल ही उन्हें मिस मत कीजिएगा और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी महालक्ष्मी, महाबली हनुमान और भगवान शनिदेव के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी के जुनकाल में इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही मधुर और बहुत ही सत्य ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल में इच्छा की वह शक्ति जागृत करेगा, जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, आप बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे और बहुत सारी समझदारी आप सभी के जीवन काल में प्रवेश करने वाली है। तो दोस्तों इन बातों को आप भूल कर भी मिस ना करें और इन्हें ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आदमी सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, या बेटा कुछ काम करेगा तो 4 पैसा घर में आएंगे, या आज 4 पैसा पास होते तो कोई ऐसा ना बोलता, आदि आदि ऐसी अनेकें कहावतें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। आखिर क्यों चाहिए ये 4 पैसे, और 4 ही क्यों, 3 या फिर 5 क्यों नहीं, 3 पैसे में क्या कमी हो जाएगी या 5 पैसे में क्या बढ़ जाएगा। दोस्तों पहले समझते हैं कि इन 4 पैसों का क्या करना है। पहला पैसा कुएं में डालना है, दूसरे पैसे से पिछला कर्ज उतारना है, तीसरे पैसे से आगे कर्ज देना है और चौथे पैसे को आगे के लिए जमा करना है। जी हाँ दोस्तों पहला कुएं में डालने का अर्थ अपना तथा अपने परिवार, पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना पेट रूपी कुओं के लिए, और दूसरा पेशा पिछला कर्ज उतारना अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण रूपी कर्ज को उतारने के लिए, और दोस्तों तीसरा पेशा यानी कि आगे का कर्ज सनातन को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने के लिए, ताकि आगे वृद्धावस्था में वे अपने ख्याल रख सके, और दोस्तों चौथा पेशा जमा करने के लिए अर्थात शुभ कार्य के लिए, दान, संत सेवा, असहायों की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल
हमें जीवन के बाद मिलने वाला है। इन कार्यों के लिए हमें चार पेशे की जरूरत पड़ती है। यदि तीन पेशे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे और पांच पेशे की कहीं जरूरत ही नहीं है। यही है चार पेशों की कहावत का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इनमें सच्चाई लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि दोस्तों आने वाले तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में कौन सी 10 बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यश में आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक होंगे। भगवान महाबली हनुमान जी, भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद से आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, दोस्तों जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से। तो दोस्तों हर एक बात आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इन्हें बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा और दोस्तों अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए सोच विचार और आत्मनिरीक्षण करने का समय होगा। आपको बता दें कि यश में अचानक ही कोई असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आप अपनी कुशलता और समझदारी द्वारा सुखद परिणाम भी प्राप्त करने में यश में सक्षम रहेंगे। फोन द्वारा भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि अहम और अति आत्मविश्वास आप पर हावी ना रहे। घर में भी भाइयों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद संभव है, परंतु आप अपनी समझदारी व फिर अपने व्यवहार कुशलता द्वारा उसे निपटाने में भी जो है सक्षम अवश्य रहेंगे। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों दिन की शुरुआत में ही किसी अटके हुए काम के बारे में प्रगति वाली खबर मिलेगी, जिसकी वजह से आप पर बना तनाव भी इसमें कम रहेगा। लेकिन दोस्तों खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए विचारों में बदलाव लाने की अति आवश्यकता होगी। खुद पर विश्वास रखें, बातें अभी आपके पक्ष में ही होंगी, लेकिन जरूरत से अधिक वक्त लगने की वजह से मन में चंचलता भी बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए उत्तम समय भी होगा। स्थान परिवर्तन की कोई योजना कार्य रूप में परिणित हो सकती है। दोस्तों आय के नए स्रोत इसमें बनने वाले हैं तथा आर्थिक स्थिति भी इसमें आपकी बेहतर होगी। आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको कई परेशानियों से राहत दिलवाने वाली है। तो दोस्तों यशमी मित्रों की आप सलाह पर विश्वास कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी महत्वपूर्ण कार्य में पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य की सहमति अवश्य लें। ध्यान रखिए कि कोई भी अनुचित कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, साथ ही अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और इसके साथ दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपका मनमौजी स्वभाव दूसरों के लिए तकलीफदायक हो सकता है। नए मित्रों के साथ परिचय बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा आपका निजी भविष्य में फायदा भी हो सकता है। व्यापार में संबंधित बातों को रिस्क लेने से पहले अपनी क्षमता को परखना आपके लिए आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों परिस्थितियाँ अनुकूल है, समय की कीमत और महत्व का आज इसमें आपको सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि यश में आपको कोई अवश्य नई उपलब्धि हासिल होगी। भूमि जायदाद से संबंधित कोई भी अहम काम भी यश में संपन्न हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी यश में रुचि रहने वाली है। इसके साथ दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए किसी प्रकार की यात्रा करने से बचे, क्योंकि दोस्तों इनसे कोई भी लाभ होने की संभावना उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। किसी भी कार्य में इसमें करने से पहले उन पर सोच विचार कर लें। व्यक्तिगत लाइफ में हस्तक्षेप किसी के ना करें, अन्यथा बिन बात के कुछ रिश्ते में खटास हो सकते हैं। इस पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होने के कारण थोड़ी राहत भी आपको महसूस होगी। आगे के काम की योजनाएँ बनाते समय आपको मन को शांत रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि भविष्यकाल से जुड़ी बातों की अधिक चिंता करने से वर्तमान में हो रही सकारात्मक बातों की तरफ से आप अपने ध्यान को नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि मिल रही परिस्थिति का पूरा आनंद लेने की यश में आप कोशिश करें, क्योंकि यह परिस्थिति आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास करना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल बनाएगा। संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई कार्य भी यश में किसी की मदद से हल हो सकता है। संतान के करियर और शिक्षा संबंधी किसी चिंता का समाधान आपको राहत देगा।
और इसके उपरांत तो शेष में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि भावुकता और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसानदेह रहेंगे, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करना इसमें आपके लिए जरूरी होगा। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए आपके स्वास्थ्य और कार्यों का हानि कर सकता है, तो धैर्य बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें अति आवश्यक होंगे। पैसे के मामले में किसी के द्वारा आपको फंसाने का डर भी सता सकता है। पैसे से जुड़े डर को अधिक महत्व न देते हुए ठीक से व्यवहार करने पर अधिक ध्यान देने की इसमें आपको आवश्यकता होगी। आपके नरम स्वभाव का कोई गलत फायदा भी इसमें उठा सकता है, इसलिए दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए खुद के लिए सही वक्त पर खड़ा होना आपको इसमें सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों ये समय व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए धोखाधड़ी होने की आशंका लग रही है, इसलिए यह समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी को भी पैसा उधार ना दें और ना ही कहीं पर इसमें निवेश करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से इसमें आपको बचना होगा, ये आपके व्यापार के लिए इसमें बेहतर होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस में नए अनुबंध और ऑर्डर मिलेंगे जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। इस समय होंगे आपके लिए अपने काम की क्वालिटी पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार और मूल्यांकन करने की जरूरत होगी। कार्य प्रणाली में भी कुछ बदलाव संबंधी नीतियों पर भी विचार विमर्श करें। जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करने से आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति भी होगी, तो दोस्तों इन पर भी जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में अभी गतिविधियां जो है कुछ धीमी ही रहेंगी, परंतु चिंता ना करें, समय अनुसार सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी पार्टी के साथ डील करते समय भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें, ऑफिस का माहौल भी इसमें शांतिपूर्ण बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यह समय पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा तथा परिवार के साथ कोई मनोरंजन या फिर गेट टुगेदर संबंधी योजना भी बन सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यावसायिक परेशानियों को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी न होने दें। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में यश में तब्दील हो सकती है, जो कि आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों शारीरिक कमजोरी और फिर थकान आपको महसूस होगी। बदलते मौसम से अपना बचाव अवश्य करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। महिलाओं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे।